लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। शोभा की हमारा एक परिवार है और परिवार के नाते, मुख्यमंत्री के नाते मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे स्वयं उनके पास जाना था, लेकिन कब होना है यहाँ पे आए और बातचीत हुई है। आने वाली तैयारी, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के जो पूरे प्रदेश ने एक परचम लहराया है और निश्चित है हम 2/3 से भी अधिक बहुमत लेकर के आने वाले हैं। उस दृश्य से भी मुझे लगता है कि आने वाला समय और ये केवल 5 साल नहीं, आगे लंबी पारी 15 साल तक ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी खेलेंगे और उनके साथ हम पूरी तरह आगे बढ़ेंगे इस प्रदेश। आपसे मुलाकात आपकी रही है, हाँ मैं देखिए एक बात अलग है कि मैं उनके बाद इस दायित्व पर आया हूँ, लेकिन हमारा बचपन से ही, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, विद्यार्थी परिषद के ज़माने से वो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। आज भी चूँकि चुनाव के बाद बहुत दिन हो गए थे, बीच में चुनाव के बाद उनके भी कार्यक्रम लगे हुए थे कई जगह थे, कल जैसी सूचना मिली कि आ गए हैं तो आज बस वैसे शिष्टाचार बस उनका आशीर्वाद रहेगा। चुनावी चर्चाएं भी रही हैं। हाँ स्वाभाविक है, चुनाव के संबंध में जो भी घटनाक्रम हुए हैं या जो चुनाव के दौरान चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार तमाम चीज़ें, उन सब पर तो चर्चा होती है। सर मतदान के बाद बीजेपी में अंदर खाने बड़े आरोप लगते रहे, अब यतिनानंद गिरी जी ने भी आरोप लगाया कि भीतरघात हुआ है। हमने सभी लोगों से कहा है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लगातार छात्रों को यूक्रेन से लाने की जो कोशिशें हैं आप लोगों ने, उसमें नोडल अधिकारी बनाए, कुछ अपडेट अभी तक क्या रहा सर, क्या डायरेक्शन? नहीं, नोडल अधिकारी बनाए अभी तक 188 लोगों ने, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उनके अभिभावकों ने, उन्होंने हमसे संपर्क किया है और हमारी कोशिश है कि पोलैंड के रास्ते से या अन्य रास्तों से जो भी सुगम मार्ग हैं, चूँकि यूक्रेन में हवाई सेवाएँ पूरी तरह से बंद हो गई हैं, आसपास के जो राज्य हैं, दूतावास हैं, उन सभी से हम संपर्क में हैं, हमारा विदेश मंत्रालय संपर्क है, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वापस लाया जाए, सकुशल लाया जाए। सर 10 मार्च को सरकार जिसकी भी बने, लेकिन चुनौतियाँ बड़ी होंगी कि फायर सीजन है, उसके बाद मानसून सीजन लगेगा, तमाम तरह चारधाम यात्रा है, सबसे बड़ा चैलेंज चारधाम यात्रा का होगा कि नहीं, सभी काम अच्छे होंगे। सर कांग्रेस कह रही है कि देर से चेती है सरकार से, तो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के पास राजनीति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।